निकाल दो। अबे गधों, कोई तो पॉइंट की बात करा करो ईमानदारी की। ना तुम्हें तुम्हारी बोलिंग पता है, ना कप्तानी पता है, ना टीम की सिलेक्शन पता है, ना ओपनर पता है, ना मिडल ऑर्डर पता है। पता क्या है तुम्हें? बस ये पता है कि तुम कुछ जीते नहीं हो 10 साल में। और अभी भी आप इतने एक्सपेरिमेंट्स पे और घूम अभी भी रहे तुम्हारे हो। जर्नलिस्ट ड्रामे करे जा रहे हैं कि विराट को निकाल दो। अबे गधों, कोई तो पॉइंट की बात करा करो ईमानदारी की। अपना जमीर बेच के खाया हुआ तुम लोगों ने, अपना जमीर बेच के खाया हुआ इन लोगों ने। ये कोई ओवर रिएक्शन नहीं है, ये मुझे दिख रहा है कि हमारा वर्ल्ड कप में क्या हाल होने वाला है भाई। वेस्ट इंडीज तुम गए थे जा, तुम्हारा हार्दिक पांड्या यूनिक यूनिक, इट्स वी आर लाइक टू बी यूनिक। अबे कौन सा यूनिक हो तुम? जिन लोगों के जमीर की बात कर रहा हूं ना मैं आपसे, जो लोग सिर्फ एक वन पॉइंट एजेंडा कि विराट कोहली के नेगेटिव बोलेंगे तो वो सेल करेगा, उसके फैन आएंगे देखेंगे तो उसको नेगेटिविटी फैलाओ, और कोई जो लॉबी है जो लगी हुई है कि विराट को बाहर करो, भाई तुम कर दो, इस बात का जवाब दे दो ना। अक्षर पटेल कहाँ गया? रवि बिश्नोई कहाँ गया? श्रेयस अय्यर को क्यों खिला रहे हो जब खिलाना ही नहीं है? तो कहां से आया था वो वाइस कैप्टन बनाएंगे? बना लिया था वाइस कैप्टन उसको, ऋतुराज गायकवाड़ ही वाइस कैप्टन था। इनमें सबसे बड़ा सवाल कि हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट आज तक क्यों नहीं तैयार किया? हार्दिक का रिप्लेसमेंट नहीं है, कप्तान का तुम्हें पता नहीं है? तुम एक ही बंदे को लेके विराट कोहली को बाहर, भाई उसको सबसे पहले बाहर कर दो, मैं तो बोल रहा हूँ तुम्हारे साथ हूँ। बाकी जो ये 10 पॉइंट है उसको कौन कवर करेगा? उसको कौन कवर करेगा? उसके बारे में कौन बताएगा? कौन रवि बिश्नोई के लिए ट्वीट करेगा? कौन शिवम दुबे के लिए ट्वीट करेगा? कौन शिवम दुबे की बात करेगा? करिए तुमने कभी? रोहित शर्मा का बनता है जी, रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे जी। अबे क्यों? पहले देख तो लो कैसा खेलता है भाई आके। तुम बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हो, बुरी तरह। इंडिया में बी सी टीम्स को पेल पाल के तुम अपने आप को हीरो समझ रहे हो। अभी अफगानिस्तान आएगी फिर चौड़े हो जाना इंडिया में उनको फोड़ के।